पुणे जिल्ह्यातील टेमघर धरणाला सुरू असलेली गळती हे धरणाचं बांधकाम निकृष्ट असल्याचं निदर्शनास आणून देत आहे. अवघ्या 15 वर्षात धरणाची झालेली अवस्था पाहता ठेकेदाराच्या कामाबाबत प्रश्नचिन्ह उभं राहत आहे. धरणाची डागडुजी जनतेच्या पैशातून न करता सरकारनं संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर करून डागडुजीचा खर्च वसूल करावा अशी मागणी आम आदमी पक्ष प्रवक्त्या प्रीती शर्मा मेमन यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेमध्ये केली. टेमघर नंतर पुणे जिल्ह्यातील वरसगाव पवाना टेमघर या धरणांचा आम पार्टी वतीनं सर्वे केला असून या धरणांना कमी अधिक प्रमाणात गळती होत असल्याचा दावा आपने केलाय. तसेच धरणाच्या गळतीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असून या धरणांना धोका नसल्याचा दावा स्वीकारता येणार नाही, कारण या खात्यातील अधिकारी खरी माहिती देत आहेत की नाही हा एक प्रश्नच आहे. त्यामुळे या धरणांच्या सुरक्षतेबाबत आम आदमी पार्टीच्या वतीनं दणदणीत आरोप प्रशासनावर केले जात आहेत. टेमघर धरणाच्या गळती प्रकरणी या धरणाच्या दुरुस्तीसाठी संबंधित कंत्राटदारांकडून खर्च वसूल करायला हवा, लोकांचे पैसे पुन्हा वाया घालायला नकोत असं आपच्या राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रीती मेनन यांनी म्हटलंय. यावेळी त्या बोलत होत्या. अभी पांडे जी ने हमें बताया कि महाराष्ट्र में कई सारे धरने ऐसे हैं, उन्होंने खुद जब वो क्वालिटी में काम करते थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में, उन्होंने बताया कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है, 50% कम है. हमने पूना का जो इशू उठाया है, पूना में जो टेमघर डैम है वहाँ पे पहले इसी सरकार ने उसे डैम को क्लीन चिट दी थी. अभी कल गिरीश महाजन जी ने बोला कि उस डैम में वाकई में कोई प्रॉब्लम्स हैं और वो 95 करोड़ करके रिपेयर कर देंगे. हमारा ये कहना है कि पहले उन्होंने ये कैसे कहा कि डैम ठीक है, और दूसरा हमारा ये कहना है कि उन्होंने गुनाह दाखिल किए हैं 2 कंपनियों के खिलाफ. वो कंपनियाँ हैं श्रीनिवास और प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन. उन दोनों की वेबसाइट पर टेमघर का मेंशन नहीं है. टेमघर प्रोजेक्ट का मेंशन है सोमा एंटरप्राइजेस पे, जो अविनाश भोसले की कंपनी है. उनके ऊपर गुनाह दाखिल क्यों नहीं हुआ? और बस गुनाह दाखिल करने से क्या होगा? गुनाह दाखिल करने के अलावा ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये वो डैम रिपेयर करें. इस डैम को बन के 5-6 साल भी नहीं हुए हैं. 2005 में कम्प्लीट हुआ लेकिन 2010 तक इस पर काम चल रहा था. 6 साल भी नहीं हुए हैं पूरा डैम का काम होके और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को जेल में होना चाहिए और उनके पैसों से ये डैम रिपेयर होना चाहिए. प्रतिनिधि रोहन गवड़ी, ब्यूरो रिपोर्ट, जीवन न्यूज, पुणे मेट्रो, महानगराची लाइफ लाइन, पुणे.